दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों हाल ही में माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु राज्य सरकार के द्वारा सीनियर टीचर यानी कि वरिष्ठ अध्यापक पदों हेतु 9760 पदों के ऊपर वैकेंसीज का जो विज्ञापन है वो यहां पे जारी किया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये विज्ञापन हाल ही में RPSC की मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जारी कर दिया गया है। तो जिन कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को अप्लाई करना है तो वो करके ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हाल ही में टोटल जो वैकेंसीज हैं 9760 पदों के ऊपर ये वैकेंसीज हैं। इसके अंदर यहाँ पे कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, साथ ही इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी और इसके लिए सैलरीज आपको कितनी मिलेगी, साथ ही इसके लिए जो आपको शुल्क है आवेदन ऑनलाइन वो आपको कितना देना होगा, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, साथ ही सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके बाद में आपके एग्जामिनेशन कब तक यहाँ पे RPSC के द्वारा इसके करवाए जाएंगे, साथ ही यहाँ पे आपका सिलेबस क्या होगा इसके लिए जो पेपर फर्स्ट और सेकेंड के रूप में यहाँ पर करवाया जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स इसके लिए कितने कौन कौन से आपको देने होंगे और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है, साथ ही यहाँ पर कब से शुरू किया जाएगा, कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियोज के माध्यम से बात करेंगे। दोस्तों हम ये भी बात करेंगे क्या सिलेबस इसका रहेगा पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक हेतु जो वैकेंसीज निकाली गई हैं RPSC के द्वारा, तो उसके नोटिफिकेशंस में कंप्लीट यहाँ पे जो मैंने टॉपिक्स पे बात की है उसको यहाँ पे वन बाई वन अपन बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं ये RPSC के द्वारा मेन ऑफिशियल यानी कि विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है जो कि वरिष्ठ अध्यापक हेतु यानी कि सीनियर टीचर हेतु ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल मैंने आपको बता ही दिया 9760 पद हैं, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो 1668 हैं, साथ ही हिंदी विषय के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी 1298 है, गणित के लिए जो वैकेंसी हैं वो 1613 हैं और संस्कृत जो विषय है उसके लिए 1800 वैकेंसी है, साइंस के लिए 1565 वैकेंसीज हैं, सोशल साइंस के 1640 वैकेंसी है, पंजाबी विषय के लिए 70 है और उर्दू विषय के लिए 106 वैकेंसीज है। तो इस प्रकार से टोटल जोड़ के 9760 पदों के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसमें अपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग सामान्य, सामान्य महिला, विधवा, पितृत्या, साथ यहाँ पे आपके आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, सामान्य, OBC, साथ यहाँ पे EWS कैटेगरीज में पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, साथ ही SC ST सभी के लिए जो वैकेंसीज का जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया कौन से विषय में कितने यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पोर्शन जो आपका है वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सेकंड पार्ट में हम चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रहेगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए जो भी ग्रेजुएट है या फिर उसके इक्वलेंट जो भी एग्जामिनेशन है आपके पास में, जो डिग्री है जो UGC से आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास में उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी रहता है, जो भी इनमें से है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, जो पंजाबी है उनमें से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, और विज्ञान विषय के लिए आपके पास में ग्रेजुएट होना चाहिए और उसी के साथ में आपके पास में दो सब्जेक्ट में ऑप्शनल रहना चाहिए जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायो टेक्नोलॉजी हो, बायो केमिस्ट्री हो, और डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये आप देख सकते हैं विज्ञान विषय के लिए आपके पास में दो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे होने चाहिए जो कि मैंने अभी आपके सामने बात की है। सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए, UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी आपको जो दो सब्जेक्ट हैं उसमें आपके पास में ये विषय होना चाहिए जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, ये सभी आपके पास में दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में इसके लिए अनिवार्य सब्जेक्ट हैं जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसी के जस्ट आगे जो कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास में नेक्स्ट जो है आपकी शैक्षणिक अर्हता की हमने बात कर ही ली है, अब हम बात करेंगे इसकी सैलरीज को लेके। देखिए L11 के तहत यहाँ पे जो पे ग्रेड है आपका 4200 पे ग्रेड इसमें रहेगा और दो वर्ष के लिए आपका ये प्रोविजन पीरियड्स में रहता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिटेशंस की, कितनी आयु आपके पास में होनी चाहिए, साथ ही वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, साथ ही कैटेगरीज के जो आयु सीमा छूट है वो आपको दे दी जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पोर्शन जो आ जाता है यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सैनिक के सलेक्शन किस प्रकार से होगा। देखिए इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको एग्जामिनेशंस के द्वारा यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन पद्धति भी यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में अपनाई जाएगी। RPSC के द्वारा ये एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद में परीक्षा का स्थान
प्रावधान महीने की बात करें तो ये आपको सूचना आरपीएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही दी जाएगी। अभी इसके लिए यहाँ पे ये नहीं दिया गया है। आवेदन तिथि आप देख सकते हैं 11 अप्रैल से लेके 10 मई 2022 तक इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। 10 मई आपकी लास्ट डेट इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने की है। आवेदन प्रक्रिया जो रहेगी वो एसओसीआईडीज़ के माध्यम से जाके आप लोग इसको भर सकते हैं, रैदर देन आप लोग यहाँ पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। एकदम सिंपल प्रोसीजर है, आप इसको भर सकते हैं। ओटीआर यहाँ पे लागू जनवरी से कर दिया गया है आरपीएससी को द्वारा, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आप लोग उसको अभी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे वहाँ पे आपके जो अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, लिंग, इसमें किसी प्रकार का संशोधन यहाँ पे एक बार करने के बाद में नहीं होगा, तो आप ये केयरफुली आप अप्लाई करें। साथ ही एग्जामिनेशन की स्कीम जो है, किस प्रकार का एग्जामिनेशन यहाँ पे कितने पेपर्स में करवाया जाएगा, मैं आपको बता दूँ, दो पेपर्स के माध्यम से ये एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि वरिष्ठ अध्यापक हेतु इस भर्ती के लिए निकाला गया है। पहले पेपर्स में आप देख पा रहे हैं इसके लिए आपको कंप्लीटली 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी रहेंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर जो सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं आप देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आपके पास में होना चाहिए, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान भी होना चाहिए, जनरल नॉलेज वर्ल्ड एंड इंडिया का आपके पास में होना चाहिए, एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो भी आपके पास में इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही आपके नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। मैं आपको बता दूँ इसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो हैं पेपर फर्स्ट में आपको 40% लाने होंगे, अदरवाइज कैंडिडेट को यहाँ पे आउट कर दिया जाएगा। सेकेंड पेपर के लिए इसको शामिल नहीं किया जाएगा। सेकेंड पेपर में आपके पास में 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2-2.5 घंटे आपको इसके लिए दिए जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू बेस्ड आधारित होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी, ध्यान रहे, और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो दोनों पेपर्स में 1/3 रहेगी, यानी कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 40% जो है वो आपको मिनिमम इसमें भी यहाँ पे सिक्योर करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो सब्जेक्ट रहेंगे, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट है उसके मैटर में आपके पास में पूछे जाएंगे। साथ ही नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट द रेलिवेंट जो सब्जेक्ट आपके पास में, जो भी इनमें निकाल सब्जेक्ट आप अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग मेथड्स के भी यहाँ पे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके पास में जो सिलेबस का जो स्कोप है, जो सिलेबस यहाँ पे पार्ट फर्स्ट और पेपर फर्स्ट और सेकेंड ईयर दे रखा है सभी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। चलिए बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, कितना कैटेगरीज को कितना यहाँ पे शुल्क इससे एप्लीकेशन फॉर्म्स को देना होगा। आपको बता दूँ ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पे जनरल के लिए 350 रुपये हैं, साथ ही ओबीसी क्रिमिनल ईयर के जो हैं वो 250 रुपये। इसमें आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज वाले भी शामिल हैं। एससी एसटी 2.5 लाख से कम आवेदन को यहाँ पे 150 रुपये देने होंगे। साथ ही यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरीज में जो 12 तहसीलों में यहाँ पे शहरी आदिम जाति में आते हैं उनको 150 रुपये से एप्लीकेशन फॉर्म्स को देने होंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म की शुल्क रहेगा जो कि आपको आरपीएससी में देना होगा। ध्यान रहे किसी भी प्रकार की त्रुटि यानी कि संशोधन आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स में करना है तो आपके लास्ट डेट जो कि 10 मई 2022 है उसके 7 दिन के भीतर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को निर्धारित शुल्क देके संशोधित करवा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके आ जाती है वो आपके प्रमाण पत्र हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको ओबीसी का है या फिर जो भी कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स है वो आपको चाहिए वो यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे जो भी परीक्षा शुल्क की जो प्रक्रिया है वो आपका ऑफिशियली प्रेस नोट यानी कि विज्ञापन के तहत करवाई जाएगी। जो भी इसमें आपका इंक्लूड है उसी के आधार पर इस भर्ती के जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूँ जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स है, जो भी आपके इसमें जो प्रोसीजर है वो सभी मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके माइंड में है दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहां से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा जो लोग हमसे नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज हम इस चैनल पर अपलोड कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।